ये जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, जब आप बड़ी विजन आपने सोच रखी हुई है, जब बुरा वक्त आता है, और बुरा वक्त आना है, एक्सपेक्ट करना, बुरे वक्त से इस वक्त आप डिमोरलाइज हो गए, इसका मतलब कि आप हार गए। जब आप विजन के ऊपर जा रहे हो या अपनी ख्वाब के ऊपर, कभी याद रखना बुरे वक्त के अंदर अपनी ख्वाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज। जब एक दफा अपनी ख्वाब के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो एक साइकिल शुरू हो जाता है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते 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 आपकी ख्वाब गायब हो जाती है। कभी अपनी ख्वाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपनी ख्वाब को पहुंचने के लिए कॉम्प्रोमाइज करता। लोग कहते हैं जी इमरान खान आपने बड़े यूटर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, यूटर्न करते मुखालिफ है जो जेलों में, यूटर्न यानी कि कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं अपने मकसद, अपने मकसद पे कभी कॉम्प्रोमाइज। वो मुझे सारे कहते हैं शोर मचाया हुआ जब से मैं पावर, एक चीज चाहते हैं लेकिन जिस दिन मैंने उनको एनआरओ दिया, अपनी विजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, विजन के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी विजन के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज। सक्सेस की क्वालिटीज क्या हैं जो आप अपना ह्यूमन पोटेंशियल अचीव, सबसे बड़ी आपने मैं पहले बताया आपकी विजन, बड़ी विजन होनी। सेकेंडली जो सबसे क्वालिटी इंसान को चाहिए कामयाबी वो होती है जब एक इंसान अपने खौफ के ऊपर काबू पा जाए। जो खौफ है ना सबसे बड़ा रुकावट है इंसान के बड़े काम कहीं ना कहीं इंसान को खौफ आ जाता है कि जी अच्छा जी पॉलिटिक्स में मैं जब आया सारों ने मुझे कहा कि जब मैंने सबसे तो मैंने आपको पता लड़ाई ले ली है कि वक्त पे तो सारे मुझे कहते थे जी आपकी जिंदगी में खास तौर पे जब मैंने अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द कहा सारों ने कहा जी अब तो आप बचेंगे। ये चीज याद रखना कि ये हर चीज में है क्रिकेट के अंदर जो बॉलर डर लगता था बड़े मैच से मार खाने से वो कभी बड़ा बॉलर बैट्समैन को तेज बॉलर से डर लगता था वो बड़ा बैट्समैन। खौफ जो है वो लिमिट करता है आपका पोटेंशियल किसी भी फील्ड में चले जाए। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन जिसने रिस्क नहीं ली, जो रिस्क नहीं लेता वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। बड़ी सोच रखते हैं आपको बड़े आप स्टेप्स ले, लेकिन जो क्वालिटी होती है इंसान में जब खौफ के ऊपर फैसले नहीं करता, ये कभी फैसले नहीं करता कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, हमेशा ये सोच जीत गया तो क्या होगा। ये दो डिफरेंट माइंड सेट जब क्रिकेट के ग्राउंड पे एकदम दो किस्म के खिलाड़ी देख होता वो होता था कि अगर मैं हार गया तो चैंपियन होता तो वो हमेशा सोचता था कि अगर मैं जीत गया तो ये दो डिफरेंट माइंडसेट हारने से हार के खौफ से आपके बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजी डिफेंसिव नेगेटिव। जब आप जीतना करना चाहते हैं आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ, ज्यादा रिस्क लेते हैं, आपकी टीम सिलेक्शन मुख्तलिफ होती है। वर्ल्ड कप में हमारे कैप्टन ने टॉस जीत के आप बैटिंग नहीं करते, ये सारी एक माइंडसेट है, मैं आपको बता रहा हूं माइंडसेट है। हर चीज में आपको जिंदगी में ये डायलेमा आएगा, ये हर चीज में। इसलिए अल्लाह ने कहा पांच दफा नमाज पढ़ो कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमते बख्शे। कॉन्स्टेंटली अल्लाह रिमाइंड करवाता है कि दो रास्ते हैं तुम्हारे, उनके रास्ते में नहीं जो तुम्हारी। हर वक्त आपको जिंदगी में फैसला करना हो, बड़ा यानी जो मिशन है, जो बड़ी ख्वाब है, उसमें आपको याद रखना आप जब ख्वाब के पीछे जा रहे हैं आपका मजाक उड़ाएगी, जितनी बड़ी ख्वाब उतना ज्यादा आपका मजाक उड़ाएगा। मैं जब 9 साल का था जब मैंने फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट खेल, मैंने अपने बड़े कजन को कहा, उसने काफी स्टेडियम में सेंचुरी की और मैं बस उसको फॉलो करता था। जब तक मैं 18 साल की उम्र में खेला नहीं उड़ता रहता था, जब मैं 18 साल का खेला पहली दफा टेस्ट में मजाक उड़ा मुझे टीम से निकाल के वापस टीम में आने, कितने क्रिकेटर्स जिनको पहले टेस्ट में जब निकाला गया वो गायब ही हो गए, वापस ही नहीं आए। मैंने 3 साल सारा सोचा कि क्या हुआ, क्या मैंने गलत किया, मैंने करना है। 3 साल प्लानिंग की, मेहनत की, साथ साथ पढ़ भी, लेकिन मैं हार नहीं मानी।